जय हिंद डिफेंस एक्सपिरियंस दिस इज योर पॉलिटी टीचर वैभव सिंह एंड आई एम हेयर विद यू टू ब्रिंग सम ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एंड डी एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन सिक्सटीन ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो सबसे पहली बात पॉलिटी एज फार एज द पॉलिटी इज कंसर्न कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है अभी कुछ दिन बचे हैं आप इन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग स्टार्टिंग से ही अगर हम लोग लेके ले चले तो सबसे पहले प्रियाम्बिल preamble ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी important. Also, कहाँ से लिया है हमने preamble? कब अडॉप्ट किया था हमने preamble? बिकम्स वेरी important. ठीक है Preamble में कई सारे टर्म्स हैं उनको भी आप ध्यान में रखें कि उनका मतलब क्या होता है ठीक है कई टाइम यूपीएससी ये पूछ लेगी कि प्रियांबल के इन इन टर्म्स का मतलब क्या क्या है राइट अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत ही बार बार क्वेश्चन यूपीएससी ने इस पर्टिकुलर चीज से पूछ रखा है प्रियाम्बल में कि कितने बार अमेंडमेंट हुआ है प्रियांबल का एक बार हुआ है आपको पता है फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाइनटीन यस तो इसके अराउंड कि कौन कौन से वर्ड्स एड हुए थे प्रियाम्बल में ठीक है तो उसे आप याद रखेंगे ठीक है तो प्रियांबल में इतना काफ़ी रहेगा ठीक है कि अडॉप्ट कब हुआ था ये भी डेट याद रखिएगा तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स में रहता है कि अडॉप्ट इनैक्ट और इन्फोर्स कब हुआ था तो आपको पता होगा एडॉप्ट और इनैक्ट कब हुआ था ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर फोर्टी नाइन इन्फोर्स कब हुआ था ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी ठीक है तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा प्रियाबल में अगर आप रिवाइज करने बैठेंगे हार्डली इट विल टेक यू टू टू थ्री मिनट्स ठीक है उसके बाद हम आगे बढ़ दें वी विल मूव ऑन टू सिटीजनशिप सिटीजनशिप में कैसे हम सिटीजनशिप पा सकते हैं कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके वजह से सिटीजनशिप इंसान खो सकता है वो याद रखिएगा ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस द पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है पहली तो ये बात है कि एन में जनरली क्वेश्चन वन लाइनर रहते हैं आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा कि तीन ऑप्शन दे दिए गए उसमें से बद बोला जाए कि ए बी आर करेक्ट बी सी आर करेक्ट ऐसा नहीं है ठीक है डायरेक्ट आंसर देना होगा आपको ठीक है तो कैसे आप करोगे फंडामेंटल राइट्स की तैयारी सबसे पहली बात फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से बोरो किया है ठीक है कौन से लेके कौन से आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स हैं दिस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट ठीक है कहाँ से हमने बोरो किया है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट थ्री में ये पता है हमें ठीक है ऑल्सो पार्ट आर्टिकल 12 और 13 में कोई भी फंडामेंटल राइट right की बात नहीं की गई है आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट की डेफिनेशन क्या क्या होती है ठीक है आपको पता ही होगा अभी तक तो अगर आपको नहीं पता है याद नहीं आ रहा तो रिवाइज कर लीजिए तुरंत नेक्स्ट आर्टिकल थर्टीन किस चीज़ की बात करता है ठीक है क्योंकि कई बार लोग फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल फोर्टीन ऑनवेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड आर्टिकल 32 तक पढ़ते हैं लेकिन फंडामेंटल राइट्स आर फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 फाइव 12 और थर्टीन ट्वेल्व में स्टेट की डेफिनेशन दी दे गई है थर्टीन में क्या है थर्टीन में यह बोला गया है कि अगर किसी ने बाय चांस किसी इंस्टीट्यूट ने किसी ने किसी ने भी लेट्स से गवर्नमेंट ने किसी की फंडामेंटल राइट छीन ली तब क्या होगा ठीक है यू कैन काइंड ऑफ से कि आर्टिकल थर्टीन गिव्स अ नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ ठीक है आप देख सकते हैं मेरे फंडामेंटल राइट्स की वीडियोस अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है तो यू कैन गो बैक टू तो यूट्यूब सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ सकते हैं ठीक है उसके बाद

ये हो गया 14 से 18 देन वी हैव 19 टू 22 टू दैट इज राइट टू फ्रीडम इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 20 एंड 21 वन एमरजेंसी प्रोविजन के एमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20 एंड 21 कोई नहीं छीन सकता आपका ये चीज पता ही होगा आपको तो यहां से आपने एमरजेंसी को भी टच कर दिया एमरजेंसी में आप ये देख लोगे कि नेशनल एमरजेंसी क्या है स्टेट एमरजेंसी क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है ठीक है फंडामेंटल राइट यहां तक हो गया अब आर्टिकल 21 ए बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो बाद में एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद हम लाए थे ठीक है तो ऐसे ऐसे आप माइन्यूट चीजों पे जो कि टाइम एंड अगेन यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उस पर ध्यान दोगे ठीक है एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आर्टिकल ट्वेंटी वन ए आ गया था ठीक right है फिर देन यू मूव ऑन टू दी नेक्स्ट आर्टिकल्स ठीक है जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं है ठीक है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर देन यू मूव टू राइट टू रिलीजन ठीक है एंड देर आफ्टर आप आर्टिकल थर्टी टू पे आ जाओगे विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ठीक है इसके बाद फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 पे ही नहीं खत्म होती 33, 34, 35 फोर थर्टी फाइव है जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है नेसेसरी अननेसेसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शन से कभी भी यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है एज फार एज द एनडीए इज कंसर्न ठीक है उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फोर ए आर्टिकल फिफ्टी वन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इलेवन है कब ऐड हुई थी ये इंपॉर्टेंट है अब फंडामेंटल ड्यूटी से क्या क्या आता है आता ये है ऐसा नहीं पूछेगा कि आर्टिकल फिफ्टी वन ए में फर्स्ट पार्ट कौन सा है सेकेंड पार्ट कौन सा है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा आपसे आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है ठीक है तो उन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा अगर मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ कि अगर आप वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज 10 बार देख भी लोगे ना तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट लोगे ठीक है प्लस प्लस ये तो पार्ट फोर तक हमने खत्म कर लिया डी में सिर्फ आपको वो आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो कि करंट अफेयर्स में कवर हो चुके हैं जैसे मैंने आपको बताया था आर्टिकल 44 इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट इसके अलावा आप शेड्यूल्स पे ध्यान दोगे कि शेड्यूल्स कौन से शेड्यूल में क्या क्या है ठीक है समझ में आ रही है एसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये इतना आप कवर करके चलो आपने पहले सारी चीज़ें कवर कर ली है, मैं मानता हूँ लेकिन अभी लास्ट मिनट रिविजन के लिए आप ये तीन चार टॉपिक्स को अच्छे से कर लो क्योंकि टाइम एंड अगेन यू पी में इन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है ठीक है ऑल्सो ऑल्सो कुछ लास्ट मिनट टिप्स एग्जाम के लिए जब आप एग्जाम जा रहे हो उससे एक दो दिन पहले प्लीज़ टेक गुड स्लीप एंड हैव गुड फूड ठीक है अच्छा फूड न्यूट्रिशियस फूड खाएं वो तो हमेशा ही खाना चाहिए इंसान को लेकिन ऑब्वियसली इन दो दिन में कोई फास्ट फूड ना खाएं यू डोंट वांट योरसेल्फ टू बी इल ठीक है एग्जाम से पहले या तो एग्जाम के टाइम पे आप अपने आप को बीमार नहीं चाहते हो राइट फर्स्ट थिंग इज दिस सेकंड इज कि आपने भरोसा करो इस चीज पे कि आपकी प्रेपरेशन हो गई है यार ठीक है अगर इस चीज़ पे भरोसा नहीं करोगे तो मैं बताता हूँ होता क्या है आपको भरोसा करना पड़ेगा और इस चीज़ पर भरोसा करना पड़ेगा कि यस मेरा लॉजिक सही है क्योंकि मैंने जो लिमिटेड चीज़ें पढ़ी हैं उसी में से क्वेश्चन आने हैं ठीक है इस चीज़ पे भरोसा रखो कई टाइम ऐसा होगा कि क्वेश्चन यूपीएससी ने घुमा फिरा करके उल्टा सीधा पूछ रखा है बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ रखा है डरना नहीं है उससे उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है ठीक है उसका मतलब समझना है और फिर आपको समझ में आएगा कि यार बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें मैं अपना लॉजिक लगाऊंगा तो आराम से हो जाएगा तो उसको अटैम्प्ट करें ठीक है डरना नहीं है क्वेश्चन से तो दैट इज़ दी सेकेंड सजेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव यू थर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे बी वेरी कूल वेरी कूल काम एंड कंपोज ऐसा एट टाइम्स होता है कि आप कुछ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो और आप टेंशन में आ जाओ नहीं देखो हर एक एग्जाम में कुछ ईजी क्वेश्चन रहते हैं काफ़ी सारे मॉडरेट क्वेश्चन रहते हैं बहुत कम डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते हैं ठीक है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना ही नहीं है ठीक है हम मॉडरेट पे ही खेलेंगे अगर मुझे आता है तो दैट इज गुड बट नहीं आता तो मैं मॉडरेट पे ही खेलूँगा ठीक है दैट इज दैट इज द थर्ड सजेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू एंड लास्ट Do not take any kind of tension before the exam. Believe in your preparation. Believe in yourself. With that note, I would like to wish you all the best for your NDA 1 2023 examination, and I wish that all of you come out with flying colors. Thank you, Jai. सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवा का हिस्सा हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का हिस्सा आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी